ठीक है। अभी मैं जींस बनाते हैं, जींस के लिए मैं आप क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करते हैं अपने मॉडल को। ठीक है, फेसेस कितने सिलेक्ट कर सकते हैं? ओके, शेडिंग में गए, एक्सरे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं। फेसेस कितना बार है, फ्रंट पे चलो, यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक काइंड ऑफ। अब मुझे हाफ पे ही काम करना है, मैं लाइक डबल को लेना चाहूँ ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास हाफ तक मिल जाए तो भी काफ़ी है, क्योंकि हम लोग को उतना पे काम करना पड़ेगा यहाँ पे। लाइक सपोज इतना पार्ट आपका बूट का है, मैंने इतना पार्ट ले लिया। ठीक है, और लाइक क्या कहते हैं, हम लोग राइट साइड में गए, लगता है इसकी नीड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल प्रेस करके हम लोग डिसलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट यहाँ तक। ठीक है, स्विफ्ट क्रॉस चेक कर लेना कहीं पे पीछे ठीक ठाक है कि नहीं। स्विफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट फेसेस। ठीक है, डुप्लीकेट फेसेस किया मैंने यहाँ पे, देखो शेडिंग गए, एक्स्ट्रा मोड, यहाँ पे मैंने क्या किया, टच फॉर हाइट, इनवर्स मॉडल आ गया पे। ठीक है, अभी क्या जीन्स को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ, जीन्स को मैं समझना यहाँ पे, जो जीन्स होते हैं जीन्स में बस नहीं है कि ये जो बैक की डिटेल्स है वो हमें हटाना पड़ता है, जैसे बैक की जो डिटेल्स है इसमें नॉर्मल करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, शी को थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट लाइक काइंड ऑफ टॉप पे गए, फोकस, ये थोड़ा सा नॉर्मल सा सेफ रहेगा। ठीक है, क्लॉथ में लाइक कितना विजिबिलिटी होता है वो चीज़ हमें थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा भाई, कि कितना मैं यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखें, ठीक है, और फिर स्केल हल्का सा स्केल करके देखें यहाँ पे। ठीक है, एंड देन राइट साइड पे चलो यहाँ पे, ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट नेक्स्ट, यहाँ चेक करो, शेडिंग में गए, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स्ट्रा मोड, यहाँ पे देखो सिंपल सा पार्ट, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ पे नॉर्मली, लाइक ऐसे स्केल किया मैंने यहाँ पे, एंड देन देखो स्केल करके मुझे हल्का सा रोटेशन देना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे शेप को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसे कुछ मैनेज करेंगे यहाँ पे। फ्रंट में गए, फ्रंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करो। ठीक है, और चीज़ों को लेकर हल्का सा जो अपना मॉडल है हल्का सा थोड़ा सा ठीक होगा, 4-5। ठीक है, हल्का सा ठीक रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ताकि वो चाहिए तो अलग से दिखे यहाँ पे। जीन्स से मैं इसलिए एक कलर दे देता हूँ यहाँ पे, जिससे मैंने यहाँ पे क्या किया, और लैम्बर्ट सेंड कर दिया यहाँ पे, और जो मैक्स कलर है लाइक, ठीक है, काइंड ऑफ शेप तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमें देखा, ठीक है, प्रेस किया 3, बेसिक शेप को हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके देखें यहाँ पे। ठीक है, शेप्स कैसे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो थोड़ा सा सही दिखना चाहिए, ये कहीं बाहर है तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे सेफ पॉइंट। ठीक है, एज यू नो जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा, लिटिल बिट हाफ पॉइंट स्केल। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ने ध्यान देना यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले सॉल्व करता हूँ तो उस अंदर वाली बॉडी से थोड़ा सा ठीक दिखना चाहिए, बाहर दिखना चाहिए। रिप्रेस करो इसे, यहाँ चेक करेंगे यहाँ पे चाहिए, अभी यहाँ पे हम लोग स्केल तो किया लेकिन यहाँ पे स्केल करने से सब चीज़ कवरअप नहीं हुआ, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। लाइक व्हाट वी वांट, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे लिटिल बिट, थोड़ा इधर से और थोड़ा इधर से मैनेज करके काम करेंगे अभी। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे किया लाइक काइंड ऑफ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लगता है कि थोड़ा सा हम लोग स्केल के लिए हमारा काम हो जाए तो वेल एंड गुड है। अभी यहाँ पे देखो मैं डबल मैनेज नहीं करना चाहता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे चीज मैनेज करना था, लाइक व्हाट आई वांट, सेलेक्ट किया मैंने फिर से, ठीक है, डिलीट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आराम से चीज़ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पर हम चीज़ को थोड़ा मैनेज करते हैं, क्या जैसे मैंने स्केल करा था, देखो इधर का पार्ट ठीक है लेकिन इधर वाले पार्ट में वो चीज़ मैस दिख रहा है। ठीक है, एक बार मैं रेंडर करके भी चेक करूँगा फिर, ये देखो यहाँ पर अंदर का ये मैस दिख रहा है, तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, या तो मैनुअल में थोड़ा डील करूँ या लिटिल बिट थोड़ा मैंने स्केल कर लिया, ऐसा कुछ स्केल किया और लाइक काइंड ऑफ देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, कुछ ये कुछ कहीं से कुछ पार्ट ऐसा है तो मैं थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, बी ऑन करना, सॉफ्ट सिलेक्शन और हल्का सा आप इसको हल्का सा लाइक मैनेज कर सकते हो, शेप आपका खराब ना और चीज को। ठीक है, यहाँ चेक करो, यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा चेंजेस है, तो हमने यहाँ क्या किया, राइट साइड में चलते हैं यहाँ पे, एंड देन ठीक है,
लाइक लिटिल बिट अल्फा स्केल ऑब्जेक्ट मोड डब्ल्यू क्या भाई लाइक एक साथ दोनों सेलेक्ट रहते तो दिक्कत रहती है ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में निकलते हैं यहाँ पे, इन्हें सेलेक्ट किया यहाँ पे ठीक है, हल्का सा देखना यहाँ पे तो लाइक गो टू राइट व्यू ओके वर्टेक्स एजेस एज यू विश ठीक है, जो भी आपको लगता है ये आपने सेलेक्ट कर दिया आर फाइव स्केल हल्का सा ठीक है। फिटिंग है तो फिटिंग में आपको ये काम कर जाएगा, अगर फिटिंग नहीं तो आपको फिर से थोड़ा सा ढीला भी बनाना पड़ेगा, जो क्लॉथ होते हैं बॉडी से थोड़ा सा लाइक डीले होंगे आपका ठीक है। तो व्हाट वी वांट हल्का समय अगर मैनेज करना पड़े तो वी कैन डू इट है ना, हम लोग कर सकते हैं ऐसा कुछ ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चीजें ओके बेसिक्स हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे भाई ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे भाई क्लॉथ में क्या करते हैं इंपॉर्टेंट हमें देखना पड़ता है ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सेलेक्ट किया डब्ल्यू ठीक है W वन डी एन वी ठीक है, इज इट पॉसिबल यहाँ पे मैं करूँगा डुप्लीकेट स्पेशल, तो मैं बस यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा मैनेज होकर आ जाएंगे, प्रेस करो थ्री अभी यहाँ चेक करो यहाँ पे चाहिए लाइक प्रेस करने थ्री पे वो चाहिए पॉसिबल है कि नहीं वो चाहिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई कैसे कैसे पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ तो लिखो एडजस्टमेंट बस यहाँ पर भी दिखनी चाहिए ठीक है। तो लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे किया मैंने हल्का सा स्केल किया वायरफ्रेम ऑन करते हैं यहाँ पे मैंने तो सर मूव किया था, जब मूव करने में यहाँ पे फाइव इधर हुआ हल्की सी भी चेंजेस मैंने वो चीज़ें खराब हो जाती है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट किया यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया डिसलेक्ट किया यहाँ पे ठीक है, और देन मैं अपने इन एजेस को ठीक है फ्रंट में आ गए और देन यहाँ पे सेट कर दिया ठीक है, ताकि यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे ठीक है। कॉस्ट चेक कर लेंगे यहाँ पे कि अभी कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, देन अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से फाइबर पर सेट करता हूँ डब्ल्यू डी एन वी, फाइबर पर सेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं एडिट में गए डुप्लीकेट स्पेशल ठीक है, तो अभी वो ठीक आएगा पिछले देख के घबराना नहीं कि अभी हमने काम किया काम अच्छा हुआ लेकिन वो चला कहाँ गया एक इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें सेफ्ट एंड कम्बाइन दोनों को सेलेक्ट करो सेफ्ट एंड कम्बाइन ठीक है, देन एडिट पर चलते हैं हम लोग यहाँ पे दोनों एजेस को सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे ऊपर वाले की जरूरत नहीं है तो डी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ठीक, क्लॉथ के लिए हमें इन्हें जोड़ना जरूरी है तो टू वर्टेक्स मर्ज मर्ज वर्टेक्स ठीक है, जितना हो जाए वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता आर्ट प्रेस करो आर्ट फॉर स्केल सेट करना फिर से मर्ज कर देना अपने आप जुड़ जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है। अभी हमने यहाँ पे टर्न किया ओके कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक बॉर्डर देना है लाइक कैसे क्या करने वाले यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने राइट क्लिक एंड एजेस शिफ्ट एंड एक्सट्रूड हल्का सा एक्सट्रूड किया यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ ऐसे करके ठीक है, और देन हल्का सा एक्सट्रूड किया यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट हल्का सा बाहर कर लेते हैं यहाँ पे ये पार्ट ऐसे कुछ ठीक है, ये चीज आपका देखो लैगिंग टाइप से भी काम हो जाएगा, ऊपर से बेल्ट है ठीक है हमने यहाँ पे सेट किया यहाँ पे अभी ये चीज हमने सेट किया ठीक है। अभी हम लोगों को लाइक रेफरेंस वाइज क्या फील करना है, जीन्स है जीन्स के अंदर लाइक ये पार्ट है अगर आपको यहाँ पे देखें सामने स्टिचेस ऐसे कुछ होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, अभी ये चीज हम लोग टेक्सचर से भी कर सकते हैं ठीक है, इट्स डिपेंड कि लाइक आप लोग कैसे डील करने वाले हो, आई सजेस्ट कि लोग टेक्सचर से करें तो ज्यादा बेटर है वेल एंड गुड है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मूथ कर रखा है यहाँ स्मूथ करने में यहाँ पे क्या अब थोड़ा सा सिमेट्री का पता है सिमेट्री में चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक सिमेट्रिकल ठीक है, हम लोग ऐसे करके भी थोड़ा सा डील कर सकते हैं ठीक है, थोड़ा सा रेफरेंस साइज में अगर थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो व्हाट आई वांट मैं ऐसे करके भी थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ ये स्मूथ में मैं काम कर रहा हूँ ठीक है। तो लाइक एक ही साइड आपका मैच होगा दूसरी साइड का एक्सपेक्ट मत करना, ऐसे लाइक मुझे ऐसा कुछ देना है तो मैंने हल्का सा ऐसा सेलेक्ट किया अ लिटिल बिट लाइक व्हाट आई वांट इतना पार्ट हो गया ठीक है, ऐसे करके हम थोड़ा सा चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे सेटिंग एंड एक्सरे मोड ठीक है, जहाँ लगता है कि थोड़ा सा नीट है तो वहाँ पर थोड़ा सा भैया यहाँ पे मैं अगर मैं अंदर की तरफ प्रेस करने वाला हूँ यहाँ पे तो मुझे पहले ये भी देखना है कि कहीं मेरे पास जो मेरे पास वो अंदर का जो मॉडल वो दिखे ना ठीक है, तो वो दिखेगा तो फायदा नहीं है ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मॉडलिंग में उन चीज़ को ज़्यादा वो यूज़ नहीं करेंगे जिसका हमारे पास नीट नहीं है ठीक है, तो
h फॉर हाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जींस के लिए अगर ऐसा कुछ बनाना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सेंटर लाइन के यहाँ पे चूहे को थोड़ा सा मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिंकल्स है, रिंकल्स की डिटेल लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। इन शेप्स के लिए लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मुझे काइंड ऑफ मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिंकल्स है, अब रिंकल्स की तो बनाया तो बना सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको मैं यहाँ पे कि हम लोग अभी शेप्स को थोड़ा सा मैनेज करें तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आप लोग थोड़ा सा लाइक आगे का पार्ट पीछे पार्ट था, तो दोनों को हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे। क्या मुझे अगर यहाँ पे अगर चाहिए एक एजेस, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट मैं जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, फ्रंट की शेडिंग एक्शन और। अभी यहाँ पे मुझे लाइक इतने पार्ट में चाहिए, इतने पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस यहाँ पे ले लेते हैं, सिमेट्री को मैं कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक शेप चाहिए जिसने एक कटिंग यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे फेसिस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दूँ या रिंग एंड स्प्लिट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं सेगमेंट दूंगा तो सेगमेंट पीछे भी आएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेगमेंट दिया मैंने, यहाँ पे एक सेगमेंट दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे सेगमेंट देने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो जिप वाला जींस में जिप वाला पार्ट होता है उस वाले पार्ट के लिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है। शेप कैसे जा रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। इतने पार्ट को सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, फेसिस सिलेक्ट कर लूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर सेट किया थोड़ा सा लाइक अप डाउन आपके यहाँ पे चलेगा, आपको बिल्कुल वैसे ही काम करना है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर देना, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ तक सिंपल सा पार्ट, ये पार्ट अभी ये तो यहीं तक ही है, ठीक है। यहाँ तक मैंने सिंपल सा सेलेक्ट किया यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड लिटिल बिट हल्का सा थिकनेस, ठीक है। अब ये काम यहाँ पे करने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। प्रेस के 3, अभी ये शेप को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक वन टू यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको मुझे मैनेज करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बेसिक में आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मैं सिमेट्रिकल को मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेंटर लाइन को मैंने थोड़ा सा मूव किया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे जेप वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये ब्लेंड हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ ये पार्ट आपका ज़्यादा विजुअल नहीं होता, तो इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे 1 2 3 2 वर्टेक्स, ठीक है, 2 वर्टेक्स देन एवरेज, ऐसे करके हम लोग ब्लेंड करते हैं यहाँ पे, ताकि जब मैं 3 पास करूँ तो मैं बस इधर से ही नॉर्मली इधर से ब्लेंड दिखे, इधर पर डेप्थ दिखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डेप्थ दिखता है यहाँ पे, ठीक है, कि लेकर आप कैसे चीज को मैनेज कर सकते हो, ओके। एंड देन नॉर्मल से हमने एक्सट्रूड किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये एक्सट्रूड करने लेकिन हमें यहाँ पे अगर डेप्थ चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे तो सब मुझे और लेकर विजुअल करवाना है, लेकिन थोड़ा सा लाइन है, तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। जितना हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शेप बनाएंगे उतना कॉम्प्लेक्स शेप आपका लाइक अनरैपिंग में भी दिक्कत करेगा। तो आई सजेस्ट कि हमें अभी ये चीज़ इसमें ज़्यादा ड्रॉ नहीं करना चाहिए, ये टेक्सचर से मेरे बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको टेक्सचर करते टाइम पे मैं आपको ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अभी उस टाइम ये चीज़ को देता वो भी कहूँगा कि हाँ अब आपको मॉडल की तो बहुत नॉलेज लेनी है, तब ऐसे करके दिखा सकते हो। इधर का डेप्थ आपका ब्लेंड हो गया, इधर थोड़ा ज़्यादा डेप्थ आपको दिखेगा, ठीक है। इस टाइप से चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ओके। अभी इसी के साथ हम लोग देखें यहाँ पे लाइक रिंकल्स कुछ यहाँ पे विजुअल है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, जैसे जींस में देखो रिंकल्स कैसे हैं, लाइक ऐसे करके कुछ रिंकल्स हैं। उन रिंकल्स को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडल में चेंजेस करेंगे यहाँ पे। जैसे सपोज यहाँ पे पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं रिंकल्स देने वाला तो व्हाट आई वांट, थोड़ा सा एक्शन मोड में आके यहाँ पे रिंकल्स इस कोने पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। अभी रिंग एंड स्प्लिट करने में मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा लाइक डिटेल पे देने वाला है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन एजेस को मैं पकड़ के लाइक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे, बेवल एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। प्रेस करेंगे 3। अभी ये जो सेगमेंट दिया यहाँ पे क्या, रिंकल्स अभी मुझे कैसे देना है, रिंकल्स मुझे बाहर की तरफ निकालने, अंदर की तरफ निकालने, ये चीज़ देखो, ये एक ऊपर की तरफ है, एक अंदर की तरफ प्रेस है। ऐसे करके मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ,
वन प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इन चीज़ को मैं थोड़ा सा लाइक मैनुअली ट्विक करने वाला हूँ, ठीक है। डब्लू प्रेस किया, वन एंड टू, ठीक है, लाइक लिटिल बिट अंदर की तरफ प्रेस करो, थ्री, ये बोलते यहाँ पे देखिएगा भी लाइक काइंड ऑफ, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे हल्का सा ऊपर की तरफ, ठीक है। चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करते हुए यहाँ पर चलेंगे, जो ट्राइंगल थोड़ा सा बनेगा, ठीक है, या तो आप मल्टी एजेस दे सकते हो, लेकिन अगर आपको एजेस देना है तो बहुत आप सारे एजेस दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करते हो, कुछ इस टाइप से भी चीज़ को मैनेज कर सकते हो कि भाई हमने कुछ ऐसा काम किया जैसे एज यू नो लाइक हम लोग को पार्ट बनाना आता है, हम लोग ऐसे कुछ करके काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एजिस पे क्या, ये एजिस को मैनेज के पास रखते हैं यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्लाइड, तो ऐसे करके मेजर डिटेल देना चाहूँ तो यू कैन लाइक पुट लाइक दिस, ठीक है। उसको थोड़ा सा कॉर्नर को ब्लेंड करना है, यहाँ का जो कॉर्नर होगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये कॉर्नर को थोड़ा ब्लेंड कर सकते हो। तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, आई डोंट वॉन्ट कि आप कुछ इस टाइप से चीज को मैनेज करो, क्योंकि ये स्कल्पिंग में ज़्यादा चलते हैं, स्कल्पिंग बहुत अच्छे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए हमें यहाँ पे अपना पॉलीगन लाइक वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एक सिंपल सा आइडिया दिया, यहाँ पे हल्का से रिंकल्स बने आपके यहाँ पे, उन रिंकल्स को कैसे मैनेज करेंगे, ये स्टेप की चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये आपको लाइक कैसे डील करना है, किस टाइप से चीज़ को आपको फुलफिल करना है, तो अगर इफ़ यू वॉन्ट तो यू कैन ट्राई लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे, कि मॉडलिंग हमने थोड़ा सा ऐसा कुछ देखा था, हम लोग ऐसा कुछ लाइक यू कैन प्लान कि भाई ऐसा कुछ किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा लाइक ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक ऑप्शन और आपको बताता हूँ, जैसे सपोज मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइक ऐसे रिंकल्स नहीं देना चाहता, अनदर ऑप्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट एंड रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। बस अनदर ऑप्शन क्या है, लाइक मैंने यहाँ पे हल्का से एजिस को पकड़ा यहाँ पे, या तो मैं इस बीच वाले एजिस को मैं पकड़ के बाहर निकाल दूंगा ऐसे करके, ठीक है, प्रेस करो थ्री, ये आपको देखेगा यहाँ पे, देखो ये अगर मैंने हल्का सा बाहर निकाल दिया तो ऐसे करके भी आप दिखा सकते हो, देख रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ करना है ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे कुछ आपको ऐसे देना है तो आप ऐसे दे सकते हो, सेगमेंट्स थोड़ा सा आपके यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो व्हाट यू वांट वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप, ठीक है, कि किस टाइप से आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, लाइक फाइंड आउट, थ्री प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसे करके भी हम लोग दे सकते हैं आप लाइक जो चीज़ें उनको हम लोग लाइक कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप थोड़ा सा डील कर सकते हो, तो ईजी प्रोसेस में आपको जो लगे वैसा डील कर लो। इसलिए मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने आपको कि कल अगर आपको रिंकल्स बनाना हो तो उस टाइम आप ऐसा ना करो कि सर हमें तो पता ही नहीं है, तो वी कैन ट्राई लाइक दिस हल्का सा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेट किया रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, और ये पार्ट मैंने लाइक थोड़ा सा लाइक अन ईवन टाइप से निकालना, सिम्पलर मत निकालना लाइक ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों हमें मैनेज करना तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइक यू कैन क्रिएट सेगमेंट्स, देखो ये सेगमेंट्स ऐसे जा रहे हैं ना अभी, तो इसके बारे में फिर डील करना पड़ जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने अभी इसकी कनेक्टिविटी नहीं दी यहाँ पे, ठीक है, मल्टीकट, तो टाइप ऑफ थिंग वी नीड टू लाइक मैनेज, आइडिया मिलना चाहिए कि कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंदर भी मत करना, अंदर करने से लेकिन हमारे पीछे मैस भी है, तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि लाइक वो चाहिए थोड़ा सा ऑकवर्ड ना लगे। ये साइज है, इस साइज को मैं सिंपल सा स्लाइड कर सकता हूँ, स्लाइड एज लुक टूल, ठीक है, इन चीज़ को मैं ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ स्लाइडिंग में, लाइक स्विफ्ट एंड स्लाइड ऊपर की तरफ, ठीक है। इन चीज़ को मैं नॉर्मली अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे कि ऐसा कुछ मुझे रिंकल्स निकालना है, तो मैं आई कैन मैनेज लाइक दिस हल्का सा बाहर कर दूँगा पे, ठीक है, इस तरह से थोड़ा इधर भी और थोड़ा इधर भी, थ्री प्लस करके चेक करना है फिर शेप्स को आपको कैसे दिखाना है, ठीक है। तो लाइक यू कैन मैनेज हल्के फुल्के रिंकल्स जो आपको देने वो आप दे सकते हो, ठीक है। रिंकल्स का ध्यान देने को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगे, यहाँ पे तो यहाँ पे मैनेज भी किया और देने यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग रहा है, यहाँ सेगमेंट्स बचाने के लिए कई बार ऐसा करना पड़ जाता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये चीज़ थोड़ा सा एक वर्क करें, ठीक है, ऐसे करके तो वो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। प्रेस किया थ्री, तो लाइक ओके,
यू कैन क्रिएट लाइक दिस, ऐसे भी कुछ शेप्स को आप निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ रिंगल्स हैं, ऐसे शेप्स हैं, उन शेप्स को थोड़ा सा मैनेज करो कि भाई ये शेप्स कैसे जा रहे हैं, ठीक है। टॉस लाइक आपको अगर थोड़ा सा वर्क करना है लाइक थोड़ा सा हिप वाले पार्ट में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। प्रेस करो ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को लाइक अगर हमें मैनेज करना है तो लाइक कैसे कर सकते हैं भाई। देखो यहाँ पे रिंग किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सेगमेंट्स है मेरे पास यहाँ पे, इफ इट इज़ पॉसिबल रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे भी मैं रिंग एंड स्प्लिट कर देता हूँ पे, ठीक है। वही शेप्स को कैसे करना है, मुझे यहाँ पे शेप्स को निकालना है, तो ठीक है, मैं एक तो मैनुअल भी मैं स्कल्प करता हूँ, दूसरा पार्ट क्या लाइक मैं यहाँ पे मैनुअल अगर डील करता हूँ, मैं मैनुअल कैसे मैनेज करना है, मैं क्या करके मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। वही मेरे शेप ऐसा कुछ है तो मैं इस टाइप की चीज़ों को तो होता, ठीक है। एक बेसिक हिप की लाइन जो आपको यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना, यू कैन क्रिएट लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ सिमेट्री ऑन कर लूँ यहाँ पे, मेरे पास अगर काम हो जाता तो वेल एंड गुड है, ठीक है। ये पार्ट लाइक ऐसे कुछ करके और देन पर लाइक ऐसे कुछ करके हमें, ठीक है, दोस्तों हिप की लाइन को मैं तो मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, इफ इट इज़ पॉसिबल तो वैसे कुछ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज लाइक चीज़ को थोड़ा हमें मैनेज करना तो हम लोग यहाँ पे स्कल्प के थ्रू भी हम लोग चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिमेट्री में यहाँ पे काम नहीं किया, कई जगह लाइक होता है सिमेट्री लाइक बहुत प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो काम करते हैं नॉर्मली लाइक किया मैंने स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। एज यू नो स्कल्पिंग मैंने यहाँ पे डबल डिजाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चलता हूँ सिंपल सा अपना सरफेस स्कल ज्योमेट्री टूल, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे स्कल ज्योमेट्री टूल के ऑप्शन पे आ जाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स, ठीक है। नॉर्मल लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मैं ब्लेंड करता हूँ स्मूथ, ठीक है। और लाइक मैं थोड़ा सा स्कल्प करना है पे, मैं थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेंथ बढ़ाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। जो चीज़ मैं लेके नॉर्मली मैं निकाल सकते हैं, मैं उन्हें ज़्यादा मैथ नहीं करूँगा, ठीक है। हल्का सा ब्लेंड कर देना यहाँ पे, ठीक है। जो शेप्स हैं उन शेप्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा बी एम फर्स्ट टेंट हल्का सा थोड़ा सा लाइक एंगल वाइज देख के थोड़ा सा चीज़ मैनेज करने की, भाई शेप्स को हम लोग ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं। स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे चीज़ें हैं तो लाइक थोड़ा सा हार्ड शेप्स अवॉइड करने यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइक लिटिल बिट वो चाहिए थोड़ा सा पॉसिबल है, तो थोड़ा सा इसका हम स्कल्प करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। जो मैनुअली हमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम लोग यहाँ पे स्कल्पिंग का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा मुझे यहाँ देखें यहाँ पे ये चीज़ ठीक आ रही है, यहाँ पे लाइनें हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ ब्लेंड करना पड़ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर मैंने सेट किया और यहाँ पर थोड़ा सा सेगमेंट्स कभी कभी कॉन्क्रीट कर जाते हैं, तो वी नीड टू स्कल्प हल्का फुल्का, ठीक है। बेसिक शेप को हमें यहाँ पर होता लाइक निकाल के मैनेज कर सकते हैं बेटा शेप में बस स्टेप से, ठीक है। तो काइंड ऑफ बेसिक ब्लॉकिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, बेसिक ब्लॉकिंग कैसे है, ओके। ये शेप हम लोग यहाँ पे थोड़ा मैनेज करने वाले हैं लाइक वी नीड टू लाइक स्कल्प लाइक दिस, यहाँ पर हल्का सा डेप्थ होता है, हल्का सा अंदर होता है, ये पार्ट हल्का सा बाहर होगा आपका, ठीक है। तो एक ब्लॉकिंग यहाँ पे थोड़ा सा करने की कोशिश की है, ठीक है, ओके। ऑल टच किया मैंने ऑल टच, ठीक है। तो लाइक थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा मैं मैनेज करने वाला हूँ कि कैसे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। देखो कुछ सेगमेंट्स यहाँ पे देखो इधर ठीक है, इधर कुछ सेगमेंट्स एक्स्ट्रा हो गए मेरे पास यहाँ पे, तो कई बार वो चीज़ कॉन्क्रीट कर जाता है। और लाइक कब होगा जब मेरे पास, अभी मैंने जैसे आपको सेगमेंट दिया ना यहाँ पे साइड में जो सेगमेंट दिए उसमें क्या होता है कि वो इक्वली डील नहीं कर पा रहा है, डिवीजन को मैंने कर दिया जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे सेगमेंट्स कहीं ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लाइक ये जो सेगमेंट्स आपके पास यहाँ पे ये सेगमेंट्स है, ठीक है। अब देखो मैं सिमेट्रिकल में ऑफ कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड सिमेट्री ऑफ, ठीक है। इन चीज़ को मैं सिलेक्ट करना है यहाँ पे थोड़ा सा लाइक मैनेज करना है, ठीक है। देखो ये इधर के सेगमेंट्स है, मैंने कहा ना ज़्यादा सेगमेंट्स भी आपको लाइक डील करने में दिक्कत दे जाते हैं यहाँ पे, वहाँ पर ज़्यादा सेगमेंट नहीं है तो वहाँ पर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो इन चीज़ को थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ जाता है। लाइक हाउ टू मैनेज ये चेक करें आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, तो वर्टेक्स तो लाइक ऐसे करके थोड़ा सा डील करना पड़ जाएगा, तो हम लोग ऐसे भी कुछ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो उससे डेप्थ खत्म करेंगे यहाँ पे, पॉइंट जाता पॉइंट में इतना डेप्थ नहीं विजुअल होगा,
ठीक है, लाइक जस्ट काइंड ऑफ लाइक दिस, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, इनको थोड़ा सा लाइक बेसिक से हल्का हल्का यहाँ पे रखेंगे, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और देन लिटिल बिट क्लॉथ में हमें सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्लॉथ में क्या चाहिए हमारे विजुअल है और कैसे विजुअल है, ठीक है, तो ऐसे करके हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके काइंड ऑफ लाइक हमने बेसिक से किया, थोड़ा सा हम थोड़ा स्कल्पिंग की हेल्प लेंगे और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे हम चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ हमने बेसिक ब्लॉक निकाल दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे जितने टर्न पे हैं, अभी टर्न पे देखो जितने आपका लेग का पार्ट है, क्लॉथ में मेन क्या होता है कि क्लॉथ में ज़्यादातर रिंकल्स होते हैं, ठीक है, रिंकल्स कैसे देखेंगे यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, एज यू नो जिसके पास फोल्डिंग है रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, एंड जी रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, अभी इनको अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे शेप्स कैसे है, लाइक यहाँ पे मैं कहूँ यहाँ पे शेप मेरे पास कुछ बाहर है, यहाँ सेलेक्ट कर दिया मैंने हल्का सा, ठीक है, हल्का सा अल्फा स्केल लिटिल बिट, ठीक है, एज सच कुछ इस टाइप से, ओके एज सच कुछ लाइक इस टाइप से हल्का सा अंदर, ठीक है, देन रिंग एंड स्प्लिट, ये जो आपको जो रिंकल्स होंगे वो कुछ इधर ही आपको निकलेंगे, ठीक है, प्लस करो थ्री, तो वो शेप्स आपको यहाँ पे हल्का सा मिलने वाला है, ठीक है, शेप्स मैंने यहाँ पे क्या किया, शेडिंग वगैरह एक्स्ट्रा मोड यहाँ पे, यहाँ पे कुछ चीज़ें अंदर बाहर दिखे यहाँ पे, तो इन चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे क्या रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, यहाँ पे एक सेगमेंट और दिया मैंने यहाँ पे, और देन इन चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एजिस लिया मैंने डिस लग के यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस कर दिया, ठीक है, ये सेम आप एजिस मत लेना, एक ऊपर का एक नीचे का ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है तो लाइक मॉडल में बेसिक शेप को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, इतना पर्ट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट लाइक दिस ऐसे करके, ठीक है, ये पार्ट लाइक दिस, इधर से सेलेक्ट किया यहाँ पे, इधर से ये पार्ट, ओके यहाँ पे हमने डिस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे इतना पार्ट, ये पार्ट हल्का सा अंदर दबा हुआ है, ठीक है, इधर से डिस सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट लाइक ऐसे कुछ, तो जहाँ पे लगता है ना सेगमेंट्स के नहीं रहे वहाँ दो, जहाँ पे लगता है हमें थोड़ा सा लाइक क्लॉक में ऐसे कुछ काम करना है, ठीक है, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, हल्का सा अपना प्रेस करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ आप देखोगे लाइक बेसिक शेप आपको यहाँ पे मिलेगा, लाइक इतना पार्ट किया हल्का सा ये प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो शेप्स को आपको कैसे देखो, जहाँ पर ये इस वाले शेप पे आपको ज़्यादा सेगमेंट मिलेंगे और ज़्यादा रिंकल्स भी मिलेंगे, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे कुछ डील करने वाले हैं, शेडिंग पे गए एक्स्ट्रा मोड पे गए, अभी यहाँ चेक करो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, अभी क्या है जब तक हम ऐसी डिटेलिंग नहीं देंगे तो ये क्लॉथ का लगन फिर नहीं आएगा, यहाँ देखो फ्लैट लगा है, फुल बॉडी वाला पार्ट ऐसा लगा कि बॉडी की डुप्लीकेट कर दी, यहाँ पे क्या चीज़ को थोड़ा सा मैनेज किया गया, ठीक है, वही रिंकल्स है मेरे पास यहाँ पे, चीज़ को थोड़ा सा मैनेज किया कि ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ रिंकल्स है, यहाँ पे कुछ रिंकल्स है, तो क्लॉथ का फीलिंग देगा यहाँ पे, ठीक है, अभी यही चीज़ हमें यहाँ थोड़ा सा देना है, लाइक इस साइड में भी दोनों तो सिमिलर नहीं होते, कई बार लाइक अप एंड डाउन होता है, तो लाइक वी नीड टू लाइक ऑब्जर्व कि क्या करना है, लाइक इंसर्ट एज लुक टूल लिया मैंने यहाँ पे, ऐसा कुछ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड देन यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है, हल्का सा मैंने वन साइडेड थोड़ा सा बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ इधर से सेलेक्ट किया, हाफ हाफ पे काम करेंगे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे क्या किया रिंग एंड स्प्लिट सेट किया यहाँ पे, यहाँ पे क्या करते हैं हल्का सा ये थोड़ा सा नीचे ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इधर से डिस लेक्ट किया यहाँ पे हल्का सा लेक काइंड ऑफ, ठीक है, रिंग एंड स्प्लिट ये पार्ट है इसे सेलेक्ट किया हल्का सा बाहर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, अभी भी एक साइड से अगर बाहर करूँ तो ज़्यादा बेटर है, देखो ये पार्ट यहाँ से मैंने बाहर किया, ये पार्ट मैंने हल्का सा इधर से हल्का सा अंदर की तरफ करने की कोशिश की, ठीक है, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हल्का सा अंदर प्रेस कर देना है, ये प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये अपना बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ हम थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर मैं कहीं पर भी लाइक अगर सेगमेंट दे रहा हूँ पे तो कैसे डील करें यहाँ पे, हाफ सेलेक्ट किया हल्का से पार्ट बाहर किया हल्का से पार्ट हमने इधर से ये भी पार्ट हल्का सा बाहर कर दिया यहाँ पे, शेप्स को कैसे मैनेज करें रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, समझ सकते हैं यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट, यहाँ पे क्या सेगमेंट्स थोड़ा सा अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे चाहिए निकल के आएंगे यहाँ पे, ठीक है, रिंकल्स वी नीड टू क्रिएट, ठीक है, हल्का हल्का मैं शेप्स हम लोग यहाँ पे मैनेज करके देंगे, वही मेरे यहाँ पे शेप्स है तो रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, ओके, और देन हल्का सा नीचे की तरफ, ठीक है, गो टू लाइक प्रोस्पेक्टिव व्यू, एक्स्ट्रा मोड में चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ पता चलेगी भाई शेप मेरे पास कैसा है, ठीक है,
सिमिलर शेप नहीं दिखेगा आपको, हल्का सा चेंजेस दिखेगा आपको, ऐसा कुछ पार्ट है। देखो अपने साइड से आपने आप दिया, ठीक है, जी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप शेप्स को लाइक कैसे डील कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। एज इस तरह यहाँ पर सेट किया, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट हल्का सा, मुझे अगर फोर प्रेस करते हैं यहाँ पे, थ्री प्रेस करके देखते हैं एंड फोर, यहाँ पर पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है वन। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे लाइक नॉर्मली सिंपल सा स्लाइड ऐसे करके भी डील किया जाएगा, ठीक है। तो शेप्स को कैसे डील कर सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिंकल्स है, रिंकल्स दो तो बहुत लगता है कि चीज़ को कैसे मैनेज करना है, वहाँ पर चीज़ मैनेज करो देन यहाँ पे देखो तो चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, क्लॉथ कलर का फिर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डील करके मैनेज कर सकते हैं लाइक व्हाट वी वांट, कैसे हम लोग चीज़ को मैनेज करें, ठीक है। अभी जैसे इसका बेल्ट का पार्ट है, बेल्ट का पार्ट में हम लोग देखें यहाँ पे चीज़ों को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बेल्ट वाले पार्ट में क्या करना है कि आपको इस चीज़ को लाइक इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे मैनेज करेंगे वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, लाइक व्हाट वी वांट, थोड़ा सा लाइक चीज़ को कैसे हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं। ये लाइक हल्का सा कर्व मुझे मेंटेन करना है तो मैं हल्का सा इधर का पार्ट इधर सेट करता हूँ यहाँ पे, और लाइक थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास कर्व कैसे मैनेज हो सकते हैं यहाँ पे, जो कर्व मेरे पास मैनेज होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे करके दोस्तों हम लोग चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने किया, अभी अगर मुझे चाहिए बेल्ट, ठीक है, तो या तो मैं इसका डुप्लीकेट करके यहाँ पे करूँ तो वो लाइक वो सेफ भी आ जाएगा, लेकिन क्या उसे थोड़ा सा अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे चलते हैं लाइक क्या लिया मैंने, सिलेंडर या ट्यूब पाइप ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट में गए, पाइप पे गए, ठीक है, पाइप पे गए, रेडियस कितना है, रेडियस मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे, हाइट कम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड में जाओ, अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं परसेप्टिव में यहाँ पे इसका बीच में गैप कितना है, रेडियस है, थिकनेस है, थिकनेस को मैंने कर दिया कम, ठीक है, रेडियस को मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको मैं बेल्ट इसका शेप अगर मैं बेल्ट जैसे मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, ठीक है। फ्रंट में गए, ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, पैंट नहीं चाहिए, मैंने हाइट कर दिया यहाँ पे, ये सिर्फ मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पॉली पाइप में गए, रेडियस सेट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और देन मेरे पास जो इसकी हाइट है वो भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फोर प्रेस करो, यहाँ चेक करो, फोर यहाँ चेक करो, काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है मेरे पास चीज़ें तो हैं लेकिन अभी मैनेज कैसे होगा, तो व्हाट वी वांट हम लोग को लैटिस यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। फ्रंट में देखते हैं फिर, ठीक है, नॉर्मल सा पार्ट, ठीक है, प्रेस करो थ्री, ये शेप आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, थोड़ा सा और लाइक थिकनेस कम करना है, इतना करके चलते हैं यहाँ पे, थ्री प्रेस किया, ठीक है, इट विल वर्क, ओके। यहाँ पर सेलेक्ट किया, अभी क्या करेंगे यहाँ पे सरफेस में, यहाँ पे डिफॉर्मर में आपके यहाँ पे होता है लैटिस, लैटिस ले लो आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, फोर बाई फोर, फोर टैप फोर, जितना कम लोग कम से भी कम हो सकता है। एक बार देखते हैं, पहले थ्री देखते हैं, थ्री से कितना कम होता है, फिर बाकी चीज़ पे आते हैं। राइट साइड, ठीक है, प्रेस किया फोर, राइट क्लिक, लैटिस पॉइंट, तो मैं इनको यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉर्मल पहले मैं थोड़ा सा रोटेशन देता हूँ यहाँ पे, जित पॉसिबल रोटेशन, ये रोटेशन दिया मैंने, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसे कुछ है आते हैं। पॉइंट में गए, ठीक है, राइट साइड में गए ऐसे, डब्ल्यू इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने के लिए यहाँ पे सेट किया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, प्रोसेक्टिव फाइव। अभी ये देखो यहाँ पर तो सेट किया, अभी यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट हमारे पास है ये पार्ट, ठीक है, अभी इन पार्ट को मुझे निकालना है, इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया। ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि भाई हम जब भी कोई काम करेंगे तो ये चीज़ हमें ध्यान रख के काम करना है, ठीक है। ये सेट किया मैंने यहाँ पे, वी व्हाट यू वांट इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया, हल्का सा बाहर की तरफ भेजते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ किया यहाँ पे। अभी ये पार्ट मुझे क्या चाहिए, लाइक यहाँ पे सेट किया, ठीक है, यहाँ पे भी इसको सेट कर देते हम लोग यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ ओके। अब ये पार्ट मैं यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे नॉर्मली, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, इतना मुझे लग रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं इसे बाहर निकालता हूँ, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, मुझे फिर से लेना पड़ेगा, फिर से लूँगा यहाँ पे ऊपर की तरफ के यहाँ पे, ठीक है, लाइक ये शेप मुझे यहाँ पे देना है, यहाँ पे मुझे मैनेज करना है, तो यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार आप ले सकते हो लैटिस, ठीक है, राइट क्लिक एंड लैटिस पॉइंट, ठीक है, कहाँ पे काम करना है, इतने पे काम करना है, इतना सेलेक्ट किया, राइट साइड में गए, ठीक
ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे मैनेज किया है, ठीक है ओके। ये चीज हमें ध्यान देना है, ये चीज मैनुअल करेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, शक्ति में क्या है, हल्का सा मैंने स्केल करना है, हल्का सा मैंने स्केल किया, ठीक है, लाइक लिटिल बिट व्हाट वी वांट। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ, ठीक है, कितना मुझे कैसा एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे मिले इजी हो जाएगा अगर मैं आपके काम करूँ, लेकिन लगता है मुझे यहाँ पे थोड़ा डील करने, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक करके यहाँ पे निकाल दिया। देखो मुझे मैनुअली अगर कहीं पे लगता है कि यहाँ पे डील करना है तो मैं डील करूँगा आपको, ठीक है, एज सच, ठीक है, ऐसे करके काम करना, ऐसे करके काम करूँगा फिर कि कैसे हम चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके भी चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। ऊपर वाले पार्ट पर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देखो आठ पॉइंट स्केल ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, अगर लगता है मेरा काम करेगा तो लाइक व्हाट वी वांट, ऐसे करके थोड़ा सा वन वन करके थोड़ा सा डील करेंगे, ठीक है, ऐसे करके आप मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बेल्ट है, बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया, ब्लेंड अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ब्लैक कलर दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे को सेट कर दिया बेल्ट के। अभी जो बेल्ट में भी क्या चाहिए कैसी है, इसके ऊपर बेल्ट में भी यहाँ पे क्या लाइक काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो थोड़ा और लाइक बढ़िया बनाएंगे यहाँ पे। ये शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, अब शेप के लिए मैं यहाँ पे क्या करना होगा, ऐसे कुछ चीज़ों में मैनेज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल सा पार्ट फ्रंट में चलते हैं यहाँ पे, अभी इतना हो गया, इतने में हम लोग एक अभी काम कर जाएगा डिलीट हिस्ट्री, ठीक है, मैंने इन सबको कर दिया। एच फॉर हाइट, ये सिंपल सा पार्ट है, सिंपल सा पार्ट देखो यहाँ पे क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, पॉलीक्यूब ले सकते हैं, पॉलीक्यूब लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, फोर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और फॉर स्केल ऐसे करके, ठीक है, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ये पार्ट मैंने यहाँ रखा, ये पार्ट मैंने यहाँ रखा, ठीक है ओके। अब मुझे जो ये पार्ट चीज के साथ में यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ऑफ फॉर स्केल ये ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, फ्रंट में गया। अभी ये पार्ट मुझे बीच में से ऐसा चाहिए, बीच में से हॉल चाहिए, ठीक है, ये बीच में से हॉल लाइक कैसा चाहिए, लाइक इनको सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, बीच वाला पार्ट, ये पार्ट एंड ये पार्ट, ठीक है, एंड देन फ्रंट में गया, यहाँ पे मैंने क्या किया लाइक एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करने वाले ऑफसेट कर देते हैं यहाँ पे, ऑफसेट अंदर की तरफ एज सच कुछ लाइक दिस, ठीक है, और मैं दोनों को डिलीट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करो फोर फाइव यहाँ पे शेडिंग में गए, और मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ब्रिज, ठीक है, ये काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, थ्री प्रेस करते ये ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके बॉर्डर्स को यहाँ पे सबको वन टू थ्री या आप सबको सेलेक्ट करके बाद बेवल कर दो यहाँ पे, काम आपको हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेगमेंट्स दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं अभी से थ्री प्रेस करता हूँ अभी मैंने हो जाएगा, काम हो जाएगा मेरे को यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच सेलेक्ट किया मैंने मॉडल को, यहाँ पे लेकर आए, ठीक है, फ्रंट में गए, यहाँ पे चेक किया, ठीक है, इमेज पार्ट यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अभी यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट की नहीं रहे, तो हल्का सा मैंने यहाँ पे क्या स्केल कर दिया यहाँ पे, और गुड परस्पेक्टिव ये हल्का सा रोटेशन में देंगे यहाँ पे, रोटेशन पे ये बाहर निकलेगा वो अंदर की तरफ जाएगा, ये भी ध्यान देने वाला बात है, ठीक है, तो उससे थिकनेस इसकी ज़्यादा है, आर प्रेस करो थिकनेस को कर दिया कम, ठीक है, रोटेशन दिया एज सच, हम लोग यहाँ पे कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, इनको लाइक थोड़ा सा हमें ऐसे डील करना पड़ेगा, दिस वन ऑल टच, ठीक है, फ्रंट में गए ऐसा कुछ, ठीक है, तो सेक्टर में लेके यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टच चाहिए, थोड़ा सा मुझे टर्न करना पड़ेगा, जैसे रोटेशन है उसी रोटेशन में मुझे यहाँ पे डील करना पड़ेगा, लाइक ऐसे करके दिया, ठीक है, फिर रोटेशन में लग ऐसे करके कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, परस्पेक्टिव में गए, अभी ये सिर्फ मुझे यहाँ पे लेके ऐसे कुछ करके दिखाना है कि भाई ऐसे कुछ टाइट सा लगे यहाँ पे, ठीक है, तो सच, ठीक है, हल्का सा रोटेशन, हल्का सा मूवमेंट जो चाहिए आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, और लाइक कंट्रोल शिफ्ट नच, ठीक है, और फॉर स्केल लाइक
चीज़ थोड़ा सा सेपरेट भी बनाओ, जो भी एक ही में बनाओ ठीक है। तो ये तो सर आपको थोड़ा सा एक लुक एंड फील देगा कि भाई ये आपका लाइक बेल्ट का लुक एंड फील दे जाएगा भाई कैसा है फ्रंट में गए ठीक है। फोर प्रेस किया ये बटन वैसे यहाँ से यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेट कर दिया ठीक है 5 ठीक है। तो ऐसे करके हम थोड़ा मैनेज कर सकते हैं फिर ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा बेसिक बेल्ट का पार्ट दिया। अब बगल में जो लुपी लुपी बोलते हैं जिस टाइम पे जो क्लॉथ का पार्ट है सिंपल द पार्ट, ऐसी चीज़ों को यहाँ पे प्लेसमेंट के साथ मैनेज किया कि भाई यहाँ पे मैं उस चीज़ें तो मैं लाइक इनको अभी थोड़ा सा मुझे ट्विक और करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा मैनुअल भी ट्विक करूँगा यहाँ पे कि लेकिन मेरे सेफ है जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड सिमेट्री ठीक है। तो लाइक इफ इट इज पॉसिबल ठीक है, तो हम लोग थोड़ा अच्छे भी डील करने वाले हैं, मैं तो उससे यहाँ पे मैनुअल भी डील करके मैनेज करूँगा यहाँ पे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेफ कुछ ऐसे गए। तो कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे लाइक यहाँ पे देन बी सॉफ्ट लेसन नेटिव इट लाइक यहाँ पे चेक कर लेंगे यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा हम लोग मैनेज कर सकते हैं सेफ में बस कैसा है डिसलेक्ट किया मैंने यहाँ पे डिसलेक्ट किया यहाँ पे हल्का सा ठीक है। यहाँ सेलेक्ट किया मॉडल में लाइक मॉडल में कितना टाइम जितना देखो जितना ट्विक करोगे जितना टाइम देखो उतने आपके काम में लाइक क्वालिटी आएगी यहाँ पे ठीक है। ये चीज़ मैं आपको एक आइडिया देता हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा है, आप लोग चीज़ को आराम से मैनेज कर सकते हो, तो इस आराम से बैठ के स्टडी करो कैसे डील करते हैं यहाँ पे। काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे एक बेसिक शेप दिया मैंने आपको कि भाई ठीक है डिस्प्ले पे गए शो पे गए एंड ऑल, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा लाइक ठीक है लाइक मैं हल्का सा स्किन का टोन यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है। ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं कि मेरे पास लाइक हमने बॉडी पे काम किया क्लॉथ पे बेल्ट पे इन सब पे थोड़ा सा काम किया यहाँ पे ठीक है। ओके गाइस तो ठीक है आज के लिए इतना बहुत है ना, हम यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ तक कर देखो तो चीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि अगर हम यहाँ पे कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना सिमेट्री ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा अगर नीड है तो व्हाट वी वांट नंबर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे हल्का सा मैंने बाहर की तरफ कर दिया ठीक है। तो लाइक यहाँ चेक करो जहाँ पर लगता है कहीं कोई कहीं कोई पार्ट दिख रहा है तो लाइक थोड़ा सा मैनेज करो आप यहाँ पे ठीक है।